हेलो गाइस, वेलकम टू ऑफिशियल अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आप सभी का इस मैथ की निंजा टेक्निक में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सभी का मैथ्स एजुकेटर संदीप दीक्षित आज के सेशन पर स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है गाइस, उस सेशन पर हम लोग जो प्रॉफिट लॉस की एक बेहतरीन टेक्निक बताने वाले हैं, वो कब, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बोला जाए कि इतने आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और इतने आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बराबर हो, यानी इतने का क्रय मूल्य और इसके विक्रय मूल्य के बराबर हो, उस केसेस के क्वेश्चन को कैसे करते हैं गैस, तो ये टेक्निक उनके लिए काम आएगी। तो गैस कुछ बातें आपको समझा देते हैं अच्छे से। अगर आपके पास बोला जाए कि कॉस्ट इतने आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस और इतने आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हो, तो उस केस में देखिएगा कॉस्ट आर्टिकल और सेलिंग आर्टिकल क्या हैं। यानी अगर वो कॉस्ट आर्टिकल आपके ज़्यादा हो और सेलिंग आर्टिकल कम हो, तो ये श्योर होगा कि आपको प्रॉफिट होगा गैस। वैसे प्राइस में केस में क्या होता है कि प्राइस वाले केस में आप समझते हैं कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो श्योर है लॉस होता है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं प्राइस और एक तरह से आर्टिकल एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शन होते हैं। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो कॉस्ट आर्टिकल अगर ज़्यादा हैं और सेलिंग आर्टिकल कम है, तो दैट मीन्स श्योर सी बात है आपको होगा क्या, प्रॉफिट होगा। अब ये प्रॉफिट तो होगा, अब प्रॉफिट परसेंट कैसे होगा, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, इससे हम लोग करेंगे। जो प्रॉफिट आर्टिकल आ जाएंगे, ये आर्टिकल कैसे आएंगे, ये आएंगे आपको कैसे भाई, कॉस्ट आर्टिकल में से सेलिंग आर्टिकल को घटा करके डिवाइड बाय हम लोग कर देंगे यहाँ से सेलिंग आर्टिकल इनटू हंड्रेड्स। बस इस टेक्निक को यूज करेंगे आप लोग, कुछ नहीं, बस सिंपली आपके पास आ गया समझ में बच्चे, कॉस्ट आर्टिकल में से सेलिंग आर्टिकल घटा देंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ओके बच्चे, ये हो गया प्रॉफिट परसेंट का केस के लिए। अगर हमारे पास कॉस्ट आर्टिकल कम है सेलिंग आर्टिकल ज़्यादा है, तो फिर होगा लॉस। और फिर लॉस कैसे निकलेगा भाई, लॉस कैसे निकलेगा, कॉस्ट आर्टिकल में से सेलिंग आर्टिकल में से कॉस्ट आर्टिकल घटा करके। लॉस परसेंट की अगर बात करो तो क्या होगा, लॉस आर्टिकल डिवाइड बाय यहां पर होगा क्या, सेलिंग आर्टिकल इनटू क्या भाई, हंड्रेड्स। दैट तरीके का हम लोग ये कंसेप्ट लगाएंगे, जिससे प्रॉफिट या लॉस का केस, जब आपके पास इस तरह का केसेस दिखाई दे, जब आपका प्रॉफिट इतने आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस इतने आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर हो, तो उस केस में ये चीज़ लगाते हैं। तो चलिए गैस इसी को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखो पहले क्या लिखा हुआ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 56 हेंस इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 63 हेंस, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। 56 मुर्गियों का क्रय मूल्य 63 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना कीजिए। यानी 56 का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपके पास बोला गया है 63 के सेलिंग प्राइस के, ये बोला जा रहा है। अब यहां से जो देखिए भाई आर्टिकल की बात करें, तो आपको ये दिख रहा होगा कि श्योर सी बात है कि कॉस्ट आर्टिकल आपके यहां से ज्यादा कम दिख रहे हैं और सेलिंग आर्टिकल आपके क्या हो रहे हैं, सेलिंग आर्टिकल कॉस्ट आर्टिकल कम हो रहे हैं और सेलिंग आर्टिकल आपके ज्यादा, तो श्योर सी बात है कि अब आपको होने वाला है क्या, लॉस। ये बात समझ में आ गई होगी, कैसे, अभी हमने पिछली बात बताई कि कैसे होता है, कॉस्ट आर्टिकल कम है और सेलिंग आर्टिकल आपके ज्यादा हैं, दैट मीन्स ये होगा लॉस। और लॉस फिर कैसे निकलेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 63 घटा दीजिए, दैट मीन्स आ जाएगा 7 आर्टिकल का हो जाएगा, तो दैट मीन्स 7। और लॉस परसेंट की बात करेंगे तो डिवाइड बाई क्या कर दीजिए, सेलिंग आर्टिकल, दैट मीन्स 63, 7 बाई 63 इनटू 100। तो काटिएगा तो 1/9 होता है, 1/9 आप सभी को पता है क्या होता है, 11. ठीक है भाई, 11 11 चलता रहता है, दैट मीन्स लॉस परसेंट हो जाएगा 11.11। ये टेक्निक आपको बहुत ही काम आएगी, बहुत ही जल्दी से क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, डायरेक्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे बच्चे, आराम से क्वेश्चन हो जाता है। अब इसको करने का एक तरीका ये बता दिया, अगर आपको ये चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेट लगे, फॉर्मूला ना याद हो, तो उस केस में हमारी दूसरी टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं रेशियो मेथड। यानी दोनों बराबर है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो देखोगे तो 63:56 हो जाएगा, दैट मीन्स इसको सिंप्लीफाई की बात करेंगे तो 9:8 क्या होगा, 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9:8। यानी कॉस्ट आर्टिकल 9 और सेलिंग प्राइस हो गया 8, तो आपको लॉस हुआ 1 का, तो 1/9 इंटू हंड्रेड्स, दैट मीन्स आपका लॉस परसेंट हो जाएगा 11.1111% का। दैट तरीके से, ये तरीके से भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। बताइए कौन सी टेक्निक अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी टेक्निक अच्छी लग रही है।
अगला क्वेश्चन देखिए बच्चे, सेलिंग प्राइस ऑफ 225 स्क्वायर मीटर प्लॉट इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 300 मीटर स्क्वायर मीटर ऑफ अ फ्लैट, फाइंड द आपके पास प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो देखो बच्चे, 225 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है, अब यहाँ पर देखिए सेलिंग वही आर्टिकल के रेस्पेक्ट में बोल के यहाँ घुमा के बोला गया, जो एक प्लॉट है उसका इतना जो सेलिंग प्राइस है इतने एरिया का, और इसका तो भाई प्लाट का एरिया भी क्या होगा, इसी साइज के अकॉर्डिंग होता है। तो अब देखो यहाँ से क्या है, एक तरह से कॉस्ट आर्टिकल आपका ज़्यादा है और सेलिंग आर्टिकल आपका क्या है, कम है। तो दैट मीन्स अब इस केस में हमारे पास बच्चे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब प्रॉफिट होगा कितने का गैस, जल्दी से देखो बच्चे, 225 से 300 यानी एक तरह से प्रॉफिट हो गया कितने का, 75 का। प्रॉफिट परसेंट की बात करोगे तो क्या होगा, 75 डिवाइड बाय 225 और इन टू हंड्रेड्स, तो दैट मीन्स ये क्या होगा, 75 से अगर कैंसिल करें तो 25 3 25 9 यानी 1/3, और 1/3 का मतलब हो गया 33.33% का प्रॉफिट हो चुका है गैस, 33.33% का प्रॉफिट हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए। अ मैन रिसीव्ड मनी बाय सेलिंग द 96 मीटर क्लॉथ दैट ही इन्वेस्टेड टू बाय 144 मीटर क्लॉथ, मतलब उसे सेल करने में 96 मीटर उतना ही पैसा आ गया जितना उसने इन्वेस्ट किया था 144 मीटर क्लॉथ को बेचने पर। दैट मीन्स एक तरीके से यही तो बोल सकते हैं कि 96 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है कपड़े का, वो बराबर है बेटा किसके, 144 मीटर के सेलिंग कॉस्ट प्राइस के। तो दैट मीन्स यहाँ से भी आर्टिकल वाला रिलेशन बन रहा है। तो दैट मीन्स एक तरह से देखिए तो कॉस्ट आर्टिकल आपका ज़्यादा है और सेलिंग आर्टिकल आपका क्या है, कम है। तो दैट मीन्स श्योर हो गया कि प्रॉफिट होगा, है ना गाइस, प्रॉफिट होगा कितने का होगा, 96 और 144, डिफरेंस कितने का आ गया बेटा, 144 4 48 का, 48 का हो गया डिफरेंस, यानी 48 का हो गया प्रॉफिट, मतलब रुपए रुपए कुछ नहीं, मैं यूनिट बोल रहा हूँ, 48 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट की बात करोगे तो क्या होगा, 48 डिवाइड बाय आपका हो गया सेलिंग आर्टिकल, यानी 96 इंटू हंड्रेड, दैट मीन्स आपका 48 टू जा, दैट मीन्स आपका आंसर आ चुका है 50% का प्रॉफिट है। तो दैट्स अ सिंपल से क्वेश्चन को इस तरीके से, इस कंसेप्ट को अगर आप मेरी टेक्निक को यूज करेंगे तो श्योर है कि आपको अच्छे से चीजें हो जाएंगी। अब थोड़ा सा अपनी चीजों को बढ़ाते हैं, अब थोड़ी सी चीज़ों को बढ़ाया जाए जिससे कि आपको ये चीज़ें लग जाएं भाई। अब जैसे मान लीजिए ये बोला जा रहा हो, अब प्रॉफिट देखिए गैस, इस तरह का केस है कि प्रॉफिट जो होगा वो आर्टिकल के रेस्पेक्ट में होगा, लेकिन किसके, या तो कॉस्ट प्राइस में बोलेगा या फिर बोलेगा क्या सेलिंग प्राइस में, दोनों में से कोई चीज़ बोल सकता है कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो इतने आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो रहा है या इतने आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो रहा है, फिर पूछेगा कि नेट प्रॉफिट या लॉस कितने परसेंट का होगा भाई। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक पहले बेसिक तरीका आपको मैं बताता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आप सब लोग जानते होंगे कि प्रॉफिट होता है बेटा क्या है, प्रॉफिट होता है सर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटा दिया जाता है तो हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो प्रॉफिट है कितने का, 15 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या, यानी 15 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो बराबर होगा किसके, 75 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस और माइनस 75 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, इसके डिफरेंस के बराबर होगा। ये इधर आएगा तो दैट मीन्स 90 का जो सीपी होगा वो बराबर होगा 75 के एसपी के। तो दैट मीन्स अगर हम लोग कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस की बात कर लोगे तो 15 यहाँ से 75 और ये हो जाएगा 90, तो 15 5 75 और 15 6, तो प्रॉफिट हो जाएगा 1/5 इंटू हंड्रेड्स, दैट मीन्स आपका 20% आ जाएगा। तो ये इसका एक ट्रेडिशनल तरीका है जो मैंने ट्रेडिशनल क्या है, एक तरह से बेस्ट तरीका है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न की बात नहीं, एक दो स्टेप ज़रूर लगेंगे लेकिन कन्फ्यूज़न नहीं होगा। लेकिन अभी हम लोग टेक्निक में बात करने वाले हैं, अभी एक टेक्निक की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग को कैसे किया जाएगा उसे देखते हैं बच्चे। तो अब इसी चीज़ को करने का हम एक तरीका और सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसी चीज़ को, अब अगर टेक्निक को ध्यान रखिएगा, जब भी आपको प्रॉफिट आर्टिकल बोला जाए इतने आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर है तो उस केस में क्या करेगा, सिंपली आप करेंगे प्रॉफिट आर्टिकल डिवाइड बाय सेलिंग आर्टिकल इनटू 100%, तो ये आ गया प्रॉफिट परसेंट। जरा देखो, चेक करो, आंसर यही आएगा ना बच्चे। तो 15 बाई, देखिए गैस कितना आ रहा है, 15, जस्ट वेट गैस,
तो आ जाएगा क्या, प्रॉफिट आर्टिकल इक्वल टू कॉस्ट आर्टिकल होगा, तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे, प्रॉफिट आर्टिकल डिवाइड बाय सेलिंग आर्टिकल इनटू 100, यानी 15/75 इनटू 100। तो देखो बच्चे वही आंसर आएगा 20%। तो दैट्स केस में हम लोग ये चीज करते हैं, क्या करते हैं, ये करते हैं, जब प्रॉफिट आर्टिकल कॉस्ट प्राइस के बराबर हो तो ये टेक्निक को प्रयोग कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट आर्टिकल डिवाइड बाय सेलिंग आर्टिकल इनटू 100, दैट्स सिंपल, नथिंग एल्स। ओके गैस, चलो गैस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके बच्चे अगला क्वेश्चन देखो बच्चे क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यही सेम चीज बोली गई है, लिखा हुआ है बाई सेलिंग द लॉस परसेंट इज इक्वल टू द 80 आर्टिकल सेलिंग इज, द लॉस अर्न बाई सेलिंग 80 आर्टिकल इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। अब यहां पर बोला क्या गया है, लॉस की बात की गई है, लॉस। ठीक है बच्चे, लॉस अब क्या होता है भाई, लॉस के लिए होता है क्या, कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है, सेलिंग प्राइस कम होता है। यानी अगर बेसिक डेफिनेशन जाने लॉस की, तो यही तो होता है कि यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया और सेलिंग प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। तो बाय सेलिंग 80 आर्टिकल, दैट मीन्स अगर 80 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस और 80 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देखें, तो बेटा वो क्या होगा, वो आपके पास होगा 16 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, 16 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर। ये इधर आएगा, तो दैट मीन्स 80 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस होगा वो बराबर इधर होगा 64 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के। तो अगर मैं इस चीज को सिंपली रेशियो के फॉर्म पर लिखूं, तो ये बोलूं कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस। देखिए जरा ध्यान से इस बात को, इस लाइन को समझना, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि अब रेशियो कैसे। अब देखो कॉस्ट प्राइस यही रखे ऊपर और इसको नीचे लेकर आ रहे हैं, तो 80 ऊपर रहेगा और 64 नीचे, गलती से 64 इधर लिख देते हैं और 80 ये, जबकि डिवाइड यहाँ हो रहा है सेलिंग प्राइस और आर्टिकल वाला जो प्राइस है वो नीचे आ रहा है, तो 80 डिवाइड बाई 64 होगा। अगर इसी को सिंप्लीफाई कर दें, 16 5 16 4, दैट मीन्स आपके पास आ गया भाई, आ गया ना भाई, कितना आया बच्चे जल्दी से देखो, यानी डिफरेंस आ गया कितने का हमारे पास, ये आया 1 का, 1 बाई कितना, 5 इंटू 100। तो दैट्स ये भाई करेंगे लॉस परसेंट के बराबर, जब आपके पास ये केस दिया हो। अब ये इसका एक तरीका है, बेस्ट तरीका है, इसके थ्रू आप कर सकते हो, नहीं तो अभी मैं एकदम शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ, फॉर्मूला मेथड, एक तरह से टेक्निक वाला मेथड, उसे भी यूज़ कर सकते हैं गैस। उसे कैसे करोगे, उसे देखो बच्चे कैसे करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीके से उसे भी कर सकते हो, आया समझ में। तो दैट तरीके से उसे करने के लिए हम एक और टेक्निक प्रयोग कर सकते हैं, वो टेक्निक क्या है उसे देखिएगा गैस। तो ये टेक्निक आप सभी को अच्छे से आ गई है, तो मैं इसी को आगे बढ़ता हूँ और इस पर टेक्निक बताता हूँ। जब आपका लॉस आर्टिकल कॉस्ट आर्टिकल के बराबर हो, लॉस आर्टिकल अगर आपका कॉस्ट आर्टिकल के बराबर हो, तो उस केस में हम लोग कैसे करते हैं, तो इस केस में आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा एक काम करना था, जस्ट वेट गैस एक मिनट। ठीक है बच्चे, लॉस आर्टिकल अगर कॉस्ट आर्टिकल के बराबर हो और अगर आपको लॉस परसेंट निकालना है, तो उस केस में क्या करोगे, जो भी आपके लॉस आर्टिकल है डिवाइड बाय सेलिंग आर्टिकल इन टू हंड्रेड्स, बस एक लाइन पे आपका आंसर आएगा 16/80 इन टू हंड्रेड्स। तो 16 5 हो गया और 16 5 हुआ, अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाता है बच्चे, कितना आएगा आपके पास 20% के, कितना आएगा 20% के। आई बात समझ में सभी को, तो दैट तरीके केसेस को हम लोग इस तरह से हैंडल करते हैं गैस। अब बात करते हैं अगर यहीं पर क्वेश्चन पे एक और देखिए गैस, मैंने इस तरह की सारी चीजें आप लोग को करा रहा हूं। ओके बच्चे, लॉस पर्सन हो गया, ठीक है भाई, आ गया समझ में। अब देखिए गैस इसी पर देखो क्या बोला गया है, द लॉस अर्न बाय सेलिंग 35 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल। अब लॉस तो हो रहा है, लेकिन ये किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, सेलिंग आर्टिकल के रेस्पेक्ट में। तो अब ऐसे में कैसे करेंगे, अब ऐसे में तो नहीं करोगे 5/35 × 100, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने बोला क्या है कि लॉस आर्टिकल जो है वो अब कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट नहीं बोल रहा है, अब बोल रहा है किसके रेस्पेक्ट में, सेलिंग प्राइस में। तो एक पहले बेसिक सी बात लगाते हैं, फिर आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या बोला गया है, लॉस होता है आप सब लोग जानते हैं कि कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटता है,
कॉस्ट प्राइस लॉस कितना हो गया, 5 आर्टिकल का, वो भी किसके, एसपी के बराबर। तो दैट मीन्स 35 का सीपी और 35 का एसपी अगर घटा दें तो हमारे पास इसके बराबर होगा, ये इधर आएगा, तो दैट मीन्स ये क्या होगा, 40 का एसपी, ठीक बच्चे, 40 के क्या होगा, एसपी के बराबर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 के सीपी के, ठीक है भाई। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो बनाऊं, ध्यान दीजिएगा इस बात को, इसमें क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे किया जाए, तो कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस करेंगे तो कॉस्ट प्राइस हो गया और सेलिंग प्राइस, तो ये हो जाएगा आपका 40:35। ध्यान दीजिएगा इसमें कंफ्यूज होने का चांस रहता है, ये 35 नीचे जा रहा है और उधर सेलिंग प्राइस डिवाइड, तो 40 अपनी जगह पर रहेगा ऊपर और 35 नीचे, तो दैट्स वे आपका आंसर होगा 8:7 का। तो अब आपको लॉस परसेंट की बात करें, क्या होगा, 1/8 × 100, तो दैट मीन्स आपका आ गया 12.5%, तो इतने परसेंट का लॉस होगा गैस। तो उम्मीद करेंगे ये बात समझ में आ गई होगी, इस कंसेप्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी केस में जब अगर आप फॉर्मूला टेक्निक की बात कर रहे हैं तो आप क्या करें, लॉस आर्टिकल लिखें, डिवाइड बाय क्या करिए, सेलिंग आर्टिकल प्लस लॉस आर्टिकल इन टू हंड्रेड। तो अगर आपको जब ये केस हो तो आप इसको यूज़ करेगा, जब आपका सेलिंग आर्टिकल के बराबर बोलेगा तो फिर आप इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। वैसे ये भी टेक्निक जो मैंने पहले बताई है, रेशियो मेथड, ये भी सही है, लेकिन आपको समय कम है तो आप इसे भी यूज़ करते हैं और जल्दी से आंसर निकाल लेते हैं। दैट मीन्स 5/40 × 100, तो दैट मीन्स 5/8 या हो जाएगा 1/8, आपको पता ही है 12.5%। तो ये टेक्निक जो है, ये कैसी टेक्निक लगी, ये टेक्निक लास्ट वाली जो टेक्निक है इसी को यूज़ करना चाहिए अगर आपका पास समय कम है, और रियल में देखो तो एग्ज़ाम के टाइम समय तो कम ही होता है, तो गैस इसी मेथड का यूज़ करेंगे जो आपको अभी मैंने बताया गैस। तो उम्मीद करेंगे आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये टेक्निक अच्छी लग रही है, निंजा टेक्निक, इस टेक्निक को दूर दूर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है, तो प्लीज़ पहले खुद लाइक करें फिर दोस्तों तक शेयर करो। मैं ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्चुअल वीडियो जो आपको हर एक टॉपिक से रिलेटेड है इस टेक्निक के अंतर्गत ला रहा हूँ, तो इनको ज़रूर देखो, 10-15 मिनट में अच्छे से आप उस कंसेप्ट को सीख जाते हैं गैस। ओके गैस, थैंक यू ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।